छत्तीसगढ़ में 24 अगस्त से फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर बिलासपुर में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं कोरबा और रायगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी है। प्रदेश में अब तक 885 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होने वाला है। 24 अगस्त से बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलने वाला है, और इसके लिए 16 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश के मौसम में क्या कुछ रहने वाला है। आज प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन चुका है। 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, मुरैना में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं सतना और रीवा में भी भारी बारिश की चेतावनी है। इंदौर, बैतूल में तेज बारिश हो सकती है, और प्रदेश में अब तक 29 इंच बारिश देखने को मिली है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, और 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रोहित मिश्रा रायपुर से और विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रोहित, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है 24 अगस्त से, क्या कुछ कहता है मौसम विभाग? प्रतिज्ञा, देखिए 3 से 4 दिन हो गए थे और भारी उमस से राजधानी की जनता परेशान थी, लेकिन अब खुशखबरी है और बीती रात से रुक रुक कर राजधानी सहित आसपास के इलाकों पर जोरदार बारिश हो रही है। इस समय की तस्वीर देखिए आप, कि इस समय भी राजधानी में बादल छाए हुए हैं और हल्की रिमझिम बारिश जो है वो सुबह से ही जारी है, और दिन भर इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान मौसम विभाग साफ तौर पर लगा रहा है। और प्रदेश के अधिकांश जिलों पर आज बारिश की चेतावनी है, कहीं हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है तो कहीं अधिक बारिश की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। तो इससे लोगों को अब राहत मिलते हुए दिखा दे रहा है, क्योंकि 3 दिन हो गए थे लगातार उमस भरी गर्मी थी, जिससे परेशानी कहीं ना कहीं लोगों की बढ़ गई थी। और मौसम विभाग का ये भी कहना है अब कि आगामी समय पर 24 से 48 घंटे तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी और राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया है और बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए विवेक, छत्तीसगढ़ वालों को तो राहत मिल गई है क्योंकि बारिश है वहां पर, अब रुक रुक कर हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, बावजूद इसके बारिश जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, खासकर अगर हम राजधानी के आसपास के जिलों की बात कर लें। आज कैसा है मौसम? ऋतु, राजधानी में सुबह से ही माफ करिएगा प्रतिज्ञा, आज सुबह से ही लगातार मौसम बदल रहा है और सुबह काले बादल छाए थे, लेकिन इस वक्त राजधानी में तेज धूप निकल गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों के भीतर 27 जिलों में बारिश होने के आसार हैं, लेकिन पूरे प्रदेश भर में बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। मौसम विभाग पिछले 3 से 4 दिनों से अलर्ट घोषित कर रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 24-25 अगस्त के बाद राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में बारिश होने के आसार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धूप और जो कम बारिश हो रही है, इसकी वजह से उमस सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है और उमस के चलते बीमारियां भी, मौसमी बीमारियां भी लोगों को घेर रही हैं। तो ये एक बड़ी चिंता है कि एक तरफ बारिश ना होना, दूसरी तरफ लोग इस बदलते मौसम से बीमार पड़ रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी लोगों के सामने मुसीबत है और लोग इससे सबसे ज्यादा परेशान है प्रतिज्ञा। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश में जहां एक ओर लोग उमस से परेशान है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी है क्योंकि वहां पर रुक रुक कर बारिश जो है वो अब शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक और रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका।